Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, so let's start our class. Students, today our topic is multiplication of decimals. यानी कि जब आपको decimal number दिए हो तो उनकी multiplication कैसे करते हैं, ठीक है? आइए discuss करते हैं multiplication by 100. Last class में हमने discuss किया था multiplication by 10. अगर किसी decimal number को 10 से multiply करते हैं तो कैसे multiplication की जाती है, यानी कि एक decimal number में क्या change आता है, ठीक है? ऐसे याद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 100. अगर डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. डेसिमल के बाद ओनली वन डेसिमल प्लेस है तो डिनोमिनेटर क्या है? 10. मल्टीप्लाई किससे करनी है? 100 से. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. आंसर क्या है? 3240 यानी कि 3240. ऐसे सिंपली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर डेसिमल नंबर को 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली इसमें क्या है, सिर्फ डेसिमल प्लेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखो ये क्या है, 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 100 है ना, तो डेसिमल अब क्या होगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा. यहाँ पर क्या है, डेसिमल 2 के बाद है तो यहाँ पर 40 यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा. अब यहाँ पर एक फोर छोड़ दिया हमने, फिर जीरो, अगर कोई डिजिट नहीं है तो जीरो लगानी है, फिर डेसिमल, फिर जीरो. अब देखो स्टूडेंट्स आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है, 3240 के बाद डेसिमल फिर जीरो, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता. ये नंबर सिंपली क्या है, 3240, ठीक है? 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपल क्या है, डेसिमल कहाँ पर चले जाता है, यहाँ पर 2 के बाद तो फिर 40 यानी कि 2 डिजिट के बाद, 2 डेसिमल प्लेस के बाद फिर डेसिमल लगाना है, ठीक है? स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, 1792.204 को मल्टीप्लाई करना किससे, 100 से. तो सबसे पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल को रिमूव करना है. उसके डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, 1000, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से. 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी. अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 10. अगर 10 है डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर डेसिमल कहाँ पर आएगा, डेसिमल के बाद 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, यानी कि 1 डिजिट होनी चाहिए, ओनली 1 डेसिमल प्लेस. अब यहाँ पर डेसिमल कब आएगा, 4 के लेफ्ट में आएगा, क्योंकि ओनली 4 छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है 10. ऐसे सिंपली अगर आंसर फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, अब हमें पता है इस डेसिमल नंबर को 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो जो ये डेसिमल है ना, 2 के बाद है, तो ये 2 डिजिट छोड़ने के बाद, यानी कि 2 डेसिमल छोड़ने के बाद फिर डेसिमल लगाना है. तो सिंपली डेसिमल कहाँ पर लगेगा, 20, इनको तो छोड़ देना है, उसके बाद डेसिमल लगाना है, फिर 4 देना है. देखो आंसर बिल्कुल सेम आया है. सिंपली इससे क्या होगा, अगर किसी डेसिमल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिर्फ डेसिमल चेंज हो जाता है, ठीक है? यानी कि डेसिमल प्लेसेस चेंज हो जाते हैं, पहले 3, फिर यहाँ आएगा ओनली 1, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इनको अच्छे से समझ लेना. स्टूडेंट्स ने देखो मल्टीप्लिकेशन बाय 1000, जब डेसिमल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आंसर आएगा. देखो डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करने 1000 से, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसको भी 100 से डिवाइड करना है, इसको भी, तो यहाँ पर जब ये डिवाइड है 1100 से डिवाइड है तो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा आंसर, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, इस नंबर के अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली इस नंबर के साथ क्या लग जाएगी, 80, ठीक है? ये आ गया आंसर. अब देखो यहाँ पर अगर सिंपली आंसर फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो डेसिमल अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3, 4, 2 है, यहाँ पर ए वन लगानी है, 0 यानी कि कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 0 लगानी है, फिर डेसिमल, फिर 0, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल को कितने डेसिमल प्लेसेस के पार लेकर जाना है, राइट में 4, 2 एंड 3, फिर डेसिमल लगाना, ठीक है? तो आंसर आया बिल्कुल सेम, ठीक है? तो ऐसे आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, जब आपको 10, 100 एंड 1000 दिया हो और उसको मल्टीप्लाई करने हो किससे, डेसिमल नंबर से. बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें क्या है, चेंज हो जाएगा डेसिमल का, ठीक है? यानी कि डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस चेंज
चेंज हो जाएंगे और सिंपली आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इससे बिल्कुल राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि जब डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन की जाती है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनका ध्यान रखकर हम इजिली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल एंड अ होल नंबर मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर रिमेंस सेम। जब हम किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम आता है चाहे वो किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन की गई हो। ठीक है देखो यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, 0.9 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम 12 से करते हैं ना तो भी आंसर 10.8 आएगा। अगर 12 की मल्टीप्लीकेशन 0.9 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 10.8। यानी कि अगर डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर होल नंबर की डेसिमल नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, अगर हम 2 डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं ठीक है चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी रहे आंसर सेम रहेगा। ठीक है यानी कि 2.5 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं 3.5 से ठीक है तो भी आंसर क्या आएगा 0.75। अगर 3.5 की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम 2.5 से तो भी आंसर आ रहा है 8.75। यानी कि ऑर्डर चेंज होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, पहले 2.5 फर्स्ट नंबर पर था फिर यहाँ पर क्या सेकंड नंबर ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ द ऑर्डर इज चेंज, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा ना 2 डेसिमल नंबर का उनका आंसर यानी कि वो सेम रहेगा, जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम रहेगा चाहे उनका ऑर्डर हम चेंज कर लें। ठीक है अब देखो अगर किसी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन हम 1 से करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा डेसिमल नंबर भी आएगा जिसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है देखो द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि अगर हम किसी डेसिमल फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं 1 से इज द डेसिमल फ्रैक्शन इटसेल्फ, यानी कि किसी डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना 1 से तो क्या आएगा डेसिमल नंबर ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन एंड 0 इज 0। अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना 0 से तो आंसर क्या आएगा प्रोडक्ट क्या रहेगा 0। 0 की किसी भी या तो हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या रहेगा 0। ठीक है नेक्स्ट देखो, जब हम वाइल परफॉर्मिंग, देखो जब हम डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे ठीक है यहाँ पर कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं होल नंबर भी है, अगर इनकी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो आंसर आ रहा है ना फिर हम चाहे इनकी मल्टीप्लीकेशन किसी भी ऑर्डर में करें। अब देखो यहाँ पर ये क्या है 1.02 ये फर्स्ट नंबर पर है यहाँ पर हमने 3 पर लिख दिया, फिर 11.2 ये क्या है यहाँ पर थर्ड नंबर पर है यहाँ पर फर्स्ट पर लिख दिया, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो इनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर पर कोई भी इफेक्ट यानी कि प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है व्हाइल परफॉर्मिंग मल्टीप्लीकेशन इन मोर देन 2 डेसिमल्स द नंबर्स कैन बी टेकन इन एनी ऑर्डर एंड द प्रोडक्ट रिमेंस सेम। ठीक है अगर हम डेसिमल नंबर है वो किससे ज्यादा है मोर देन 2 डेसिमल नंबर की मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर हम नंबर को किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं ना तो इससे प्रोडक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर रिमेन सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छे समझ लेना। सो थैंक्स क्लास।